स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 14 आवर होम्स. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आवर होम. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. द हाउस इन विच वी लिव विद अवर फैमिली इज अवर होम. वो घर जहाँ हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं. अवर हाउसेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. हमारा घर हमारे कई सारी ज़रूरतों में, कई सारी चीज़ों में काम आता है. जैसे कि अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. हमारा घर हमें हीट एंड कोल्ड से बचाता है. अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड विंड. हमारा घर हमें तेज़ हवाओं से और बारिश से बचाता है. अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. हमारा घर हमें जंगली जानवरों से और थीव से, मतलब चोरों से बचाता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, वी हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पज. हमें अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग रूम्स की नीड होती है. वी रेस्ट एंड स्लीप इन अवर बेडरूम. हम सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं. वी हैव अ किचन वेयर वी कुक फूड. हम किचन में खाना बनाते हैं. वी वेलकम अवर गेस्ट इन अ ड्राॅइंग रूम. हम गेस्ट को कहाँ बिठाते हैं? ड्राॅइंग रूम में. वी स्टडी इन अवर स्टडी रूम. हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टडी रूम में. वी हैव कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स फॉर कीपिंग अवर थिंग्स. हम अपनी चीज़ें रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स का. वी टेक अ बाथ एंड वॉश अवर क्लोथ्स इन द बाथरूम. हम बाथरूम में नहाते हैं एंड अपने कपड़े धोते हैं वहाँ पर. वी कीप अवर वैल्यूएबल थिंग्स इन अवर हाउस. हम अपने घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं. वी हैव फन इन अवर हाउस. हम अपने घर में खेलते भी हैं. वी शुड कीप अवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन. हमें अपने घर को, घर के आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. So students, chapter is completed. Thank you.